ब्यावर के चुनावी समर में एक नया मोड़ आ गया है। भालिया क्षेत्र के बड़ा खेड़ा गांव से संबंधित रखने वाले देवराज जैन भी चुनावी मैदान में कूद गए हैं। जी हां, अपना नामांकन पत्र निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में यहां पर जमा करवाया है। देवराज जैन ने भालिया सहित ब्यावर के विकास के लिए चुनाव लड़ने की बात यहाँ पर जैन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल बड़ा कि भालिया क्षेत्र जो कि अपना वर्चस्व वहां पर देवराज जैन रखते हैं, वहां पर भाजपा का गढ़ भालिया क्षेत्र को माना जाता है, ऐसे में क्या उनकी बगावती तेवर यहां पर समीकरण बिगाड़ते नजर आ रहे हैं या फिर यहां पर जैन का नामांकन भरने का कारण क्या हो सकता है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन यहां पर साफ हो गया है कि भड़ाखेड़ा गांव से संबंध रखने वाले देवराज जैन भी भालिया क्षेत्र से जो संबंध रखते हैं वो चुनावी मैदान में कूद चुके हैं और अपना नामांकन पत्र यहां पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जमा करवाया है। ऐसे में भाजपा के टिकट वितरण से नाराज जैन ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात भी यहां पर शनिवार को कही थी, लेकिन यहां पर आज नामांकन पत्र दाखिल करवाने के बाद साफ हो गया है कि भालिया क्षेत्र से एक नया चेहरा जो कि देवराज जैन के रूप में यहां पर सामने आया है, उन्होंने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल करवाकर निर्दलीय के रूप में यहां पर चुनावी मैदान में कूदकर सनसनी फैला दी है। और मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र में परिवर्तन हो और साथ ही साथ क्षेत्र का समग्र विकास हो। जो मगरा पिछड़ गया है वो आगे बढ़े और उसके लिए मैं निष्ठापूर्वक कार्य करने का प्रयास करूंगा। अगर मुझे समर्थन मिलता है तो इस मगरे को कायाकल्प करने का प्रयास। देवराज, इतने दिन तक खामोशी रही और अचानक ये फैसला, सवाल खड़े करता है। इसे सवाल तो नहीं कहा जा सकता, पहले पारिवारिक जिम्मेदारियाँ होती है, उन्हें निपटाने के बाद ही समाज की सेवा के लिए आना पड़ता है, आना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को बाकी रख करके अगर समाज की सेवा के लिए आओगे तो समाज की सेवा का सम्यक पालन नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं, मेरे माता पिता की जिम्मेदारी थी, मेरे बच्चों की जिम्मेदारी थी, उन्हें निपटाने के बाद में मैं यहाँ। प्रमुख मुद्दा ये है कि अजमेर मेरवाड़ा का जब से राजस्थान में विलय हुआ उसके बाद में अजमेर मेरवाड़ा का ये क्षेत्र पिछड़ता चला गया। लोग कहते हैं या अभी मुख्यमंत्री महोदय भी कह रहे हैं कि अभी अजमेर को ब्यावर को उन्होंने जिला बना दिया, जो ब्यावर 56 से पहले जिला था उसे उन्होंने छीना भी थी कांग्रेस पार्टी ने, छीन लिया और 70 साल में बाद में दिया। इस 70 सालों में जो ब्यावर का जो ब्यावर पिछड़ा है उसकी संपूर्ति कौन कर पाया? और अगर आप देखें, जो पिछले लोग जानते होंगे कि ब्यावर ऊन की सबसे बड़ी मंडी थी, रुई की सबसे बड़ी मंडी थी, एस्बेस्टोस की सबसे बड़ी मंडी थी, राजस्थान में 3 मिलें ब्यावर में थी। ये मगरा जो शिक्षा के क्षेत्र में पूरे राजस्थान में एक अव्वल हुआ करता था, जहाँ के हर घर में मास्टर, फौजी और पटवारी हुआ करते थे, अध्यापक हुआ करते, आज वो बिछड़ गया है। क्यों बिछड़ गया? कि राजस्थान में विलय के बाद में इस क्षेत्र को लगातार पीछे धकेलते गए और हमारे नेतृत्व ने इस पर सम्यक रूप से ध्यान नहीं दिया जितना ध्यान देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि विकास नहीं हुआ, विकास हुआ, लेकिन बहुत धीमी गति से हुआ है। जिस विकास की जो गति शेष राजस्थान की है उससे शायद 20% भी इस अजमेर मेरवाड़ा की क्षेत्र की नहीं है। और ये पीड़ा देती है कि हमारे जिस समय अजमेर मेरवाड़ा का विलय हुआ था उस समय जो यहाँ का कांग्रेसी नेतृत्व था या बीजेपी का, उस समय जनसंघ थी, जनसंघ का नेतृत्व था, उन्होंने सबने विरोध किया, लेकिन फिर भी उसे मिला दिया गया। और उसमें शायद ये कहा गया था कि अजमेर राजधानी होगा और ब्यावर जिला होगा, लेकिन 70 साल बाद में ब्यावर जिला नहीं है। तो ये मुद्दे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा मेरा ये है कि संभाग, ये जो पर्वतीय इलाका है, इसे एक मगरा सब प्लान मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी ज़मीनें हैं, खेती की कोई व्यवस्था नहीं है, दो घंटे गांव में नहीं है। और उसके अलावा आजकल पशु सब खुले छोड़ दिए गए हैं, जो छोटी ज़मीन है वो भी पशु चर जाते हैं, तो छोटी ज़मीन के वो चार दीवारी लगा नहीं पाते। सर, मैं मूलतः भाजपा का व्यक्ति हूँ और 1977 में जब से मैं बालिग हुआ हूँ तब से लेकर के मैंने आज तक कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया और मैंने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया है। मैं मूलतः भाजपा का व्यक्ति ही हूँ।